साइलेंस प्लीज। मनमोहन सिंह जी ने अपने विचार रखे थे, ये बात सही है कि अभी शायद एक किताब निकली है आपकी तरफ से, उसकी फॉरवर्ड डॉक्टर साहब ने लिखी है। मैं जब आपका रिपोर्ट देख रहा था मुझे लगा शायद इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं तो किताब में उनका योगदान होगा, लेकिन पता चला किताब किसी और ने लिखी, फॉरवर्ड उन्होंने लिखी है। तो उनके भाषण में भी मुझे ऐसा लगा, उनके भाषण में भी ऐसा लगा कि शायद ये बात बड़ी समझने की है। पिछले करीब 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 30-35 साल से, शर्मा जी बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, करीब करीब प्लीज 30-35 साल से please. जो शब्द मैं बोला भी नहीं वो समझ गए, इंटरप्टिंग प्लीज प्लीज सिट डाउन, जो शब्द मैं बोला नहीं उसका अर्थ समझ गए, ये बड़ी गजब की बात है जी। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं, और हिंदुस्तान में पिछले 30-35 साल भारत के आर्थिक निर्णयों के साथ उनका सीधा संबंध रहा और निर्णायक भूमिका में रहा है। 35 साल तक इस देश में शायद ही कोई ऐसा अर्थ जगत का व्यक्ति होगा जिसने हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आधा समय एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा रहा हो, और कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ उन पर एक दाग नहीं लगा, बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। मनमोहन सिंह जी ने अपने विचार रखे थे, ये बात सही है कि अभी शायद एक किताब निकली है आपकी तरफ से, उसकी फॉरवर्ड डॉक्टर साहब ने लिखी है। मैं जब आपका रिपोर्ट देख रहा था मुझे लगा शायद इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं तो किताब में उनका योगदान होगा, लेकिन पता चला किताब किसी और ने लिखी, फॉरवर्ड उन्होंने लिखी है। तो उनके भाषण में भी मुझे ऐसा लगा, उनके भाषण में भी ऐसा लगा कि शायद ये बात बड़ी समझने की है। पिछले करीब 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 30-35 साल से, शर्मा जी बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, करीब करीब प्लीज 30-35 साल से जो शब्द मैं बोला भी नहीं वो समझ गए, इंटरप्टिंग प्लीज प्लीज सिट डाउन, जो शब्द मैं बोला नहीं उसका अर्थ समझ गए, ये बड़ी गजब की बात है जी। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं, और हिंदुस्तान में पिछले 30-35 साल भारत के आर्थिक निर्णयों के साथ उनका सीधा संबंध रहा और निर्णायक भूमिका में रहा है। 35 साल तक इस देश में शायद ही कोई ऐसा अर्थ जगत का व्यक्ति होगा जिसने हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आधा समय एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा रहा हो, और कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन
खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है।